Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड जो है पता कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल लेन देन के लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यूट्यूब से या किसी अदर वेबसाइट से जो है पैसा कमाते हो एडसेंस के थ्रू, तो एडसेंस में आपको जो है स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हो टेक्निकल फ्लिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच का जो है स्विफ्ट कोड पता करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जो है वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, स्विफ्ट कोड जो है सभी ब्रांच का नहीं होता है, जो भी एक मेन ब्रांच होती है उसी का जो है स्विफ्ट कोड होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि स्विफ्ट कोड का जो है किस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है यहाँ पर जो है सभी कंट्री आ जाएंगी। आपको यहाँ से जो अपनी कंट्री को चूज़ कर लेना है, तो जैसे कि मैं जो यहाँ पर ये इंडिया को चूज़ कर लेता हूँ, और इंडिया को चूज़ करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट योर बैंक हियर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है अब यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी बैंक है आपको यहाँ से जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए जैसे कि मैं यहाँ से जो है SBI को जो है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद दोस्तों डन पर क्लिक कर दिया। और डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट योर बैंक हियर, आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपकी जो भी सिटी है आपको यहाँ से वो सिटी को जो है चूज़ कर लेना है। चलिए जैसे कि मैं यहाँ से जो है दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से दिल्ली चूज़ कर लिया, और इसके बाद दोस्तों यहाँ से डन पर क्लिक कर देना है। और डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट योर बैंक हियर, आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से जो है अपनी ब्रांच जो है चूज़ कर लेनी है, आपका जिस भी ब्रांच में जो है अकाउंट है आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। और डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी ब्रांच का जो है स्विफ्ट कोड यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच का जो है स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।